हेलो दोस्तों, आज मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मार्केट में इसी तरह गिरावट चलती रही तो दोस्तों आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट होगा। आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट होगा अगर आज भी मार्केट बहुत मतलब थोड़ा बहुत भी अगर गिरना स्टार्ट होता है तो, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले जो मैं स्टॉक को फोकस कर रहा हूँ वो स्टॉक है दोस्तों माइंडट्री। हालांकि इन्फोसिस को भी आप देख सकते हो, 800 का टारगेट ये अचीव किया था, 800 का, लेकिन 800 के बाद ये देख सकते हैं 730 के आसपास ये आके रुका हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है 800 के डायरेक्ट लेवल को टच किया, उसके बाद जब गिरावट हुआ तो स्टेट मतलब वर्टिकल चार्ट बनाया है, वर्टिकल चार्ट बनाया है, ठीक है। कोई रीज़न नहीं है, बस वो जो वायरस है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, और उसको होने के बाद जो है आईटी सेक्टर में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इन्फोसिस जैसे कंपनी को अगर 100 पॉइंट गिरा देता है वो भी कुछ दिनों के अंदर, तो सोच सकते हो कितना भारी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह आपको क्या करना है, अगर मार्केट गिर रहा है दोस्तों, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ठीक है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो दोस्तों ये माइंडट्री का प्राइस भी बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 944 चल रहा है, ठीक है, 944.50 के आसपास। ये दोस्तों जल्दी इसमें जो है बहुत मतलब गिरावट देखने को मिलेगा, 3 या 4% के आसपास, कम से कम 3 या 4% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिलेगा। तो मैं बोलूंगा ऐसे स्टॉक में खरीदो मत, बच के रहो, कम से कम सेल कर सकते हो लेकिन खरीदिएगा मत, नहीं तो हो सकता है बड़ा लॉस होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो जितना भी है अभी आईटी सेक्टर से दूर रहना, जितना भी आईटी सेक्टर से दूर रहना, खरीदे मत कोई भी प्राइस पर। अगर माइंडट्री अगर हल्का फुल्का आपको अपर सर्किट में भी मिले तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लेकिन खरीदेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें अभी डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है। 1060 के आसपास से यहाँ देखिए 944, इन्फोसिस 100 पॉइंट गिर चुका था, इसमें भी देखिए अगर अराउंड, ये भी बहुत ज्यादा गिर चुका है, लेकिन अभी भी दोस्तों ये स्टॉक गिरने की क्षमता रखता है, ठीक है। इन्फोसिस थोड़ा बहुत संभलेगा लेकिन ऐसे स्टॉक में अभी और भी गिरावट रहेगी, तो मैं बोलूंगा ऐसे स्टॉक में मत खरीदो। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो था जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था, और वो भी एक सिंपल और सरल भाषा में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मार्केट ओपन होने से पहले मुझे ये वीडियो अपलोड करना है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता। और जो भी कमेंट है कमेंट कर सकते हो, कमेंट करने के बाद मैं इवनिंग में वीडियो अपलोड कर दूंगा।